स्टार हैं शाहिद अफरीदी, जाहिर है कि पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह नाम है, पहचान है, और आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी और ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जो है वो अच्छे तरीके से इसको कबूल किया। अभी बलूचिस्तान का विज़िट करके आए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ख़ुद भी इन्वॉल्व रहते हैं और जमात इस्लामी और अलखदमत के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे विज़िट भी करते रहते हैं, रबता भी रखते हैं, और आज हमने सोचा कि कराची में किसी एक जगह पर हम शाहिद भाई का विज़िट करवाएँ और ताकि एक अच्छा मैसेज यहाँ से जाए। ये आपको मालूम है कि जो हमारा मेगा राशन सेंटर है कराची में, हमारे तकरीबन 150-200 मकामात के ऊपर छोटे बड़े राशन सेंटर हैं, उनमें से ये एक है। अच्छा, उसमें राशन सेंटर का मतलब ये नहीं कि आप हम रश लगाएं और लोगों को बांटें, ये तरीका हमने रखा ही नहीं है। हमारा तरीका ये है कि पहले हम तहकीक करते हैं, मालूमात करते हैं और फिर रात के अंधेरे में पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहुत लंबी बात है, आप लोग जानते हैं कि किस तरह रात में यहाँ से ट्रक निकलते हैं खामोशी के साथ और फिर हमारे वॉलंटियर्स जहाँ जहाँ मौजूद होते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि शहर की पेरिफ्रीज में भी बहुत सारे गोट आबादियों के अंदर भी हम लोग जाते हैं। मनोड़ा पे भी पिछले दिनों हम गए थे, वहाँ तक लॉन्चों के ऊपर लोग रहते हैं, वहाँ हमने तकसीम किया, स्प्रे हमने बेशुमार किए हैं, पका हुआ खाना हज़ारों की तादाद में रोज़ लोगों को मिल रहा है। हमने अलखिदमत के रोटी तंदूर बनाए 5 रुपये में रोटी शहर में कई जगहों पर, वो इतना अच्छा आइटम है कि लोग ये भी नहीं फील करते कि यार हमें बांट रहा कोई, सब्सिडाइज रेट होता है, सफ़ेद पोश लोगों का की इज्जत रह जाती है। गोश्त कितना अभी 48,000 किलो चिकन दे रहे हैं, 48,000 किलो चिकन जो है वो इस रमज़ान में हम लोगों ने तकसीम, और डिस्ट्रीब्यूशन का असल में हमें जो सहूलत है वो ये है कि हमारा पूरे जो रज़ाकारों का नेटवर्क है ना जमात का, उसकी वजह से हमें सहूलत हो जाती है कि बिल्कुल आइडेंटिफाई करके ऐसे नहीं फेंक देते, बांटते नहीं है बल्कि पहुँचाते हैं। तो ज़ाहिर ये सारा काम है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप थोड़ी सी बात कर लें। मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, खासतौर पर आपका शुक्रिया, पूरी अलखिदमत मैनेजमेंट का शुक्रिया। मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जितने ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों का नेटवर्क है और जितने ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पाकिस्तान में जगह जगह पे काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आपको, बल्कि अलखिदमत का मैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस तरह बढ़ चढ़ कर हमारे जो सबसे गरीब तबका है उन एरियाज़ में जाके उन लोगों की हेल्प करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा हमने भी एक मरदान के अंदर एक प्रोजेक्ट था, हमारे पास वॉलंटियर इतने ज़्यादा नहीं, हमारी नई फाउंडेशन है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका नेटवर्क इतना अच्छा होता है, जिनके साथ दिल चाहता काम करने को, और वहाँ पे मरदान में हमने एक 7 प्रोजेक्ट किए इंशाल्लाह, और आगे भी करने का प्लान है। मेरी दुआ है कि जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपसे इसी तरह काम लेता रहे और मिलके, मसला एक ही है, पाकिस्तान की बात है और आपका भी वही नियत है काम करने की, हमारी भी उसी नियत से हमने फाउंडेशन शुरू की है। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ साथ होगा हम मिलके काम करेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए इंशाल्लाह। कोई कराची में ऑलवेज वेलकम, हम बहुत अच्छा कोलेबरेशन कर सकते हैं, ये हमारे पूरे नेटवर्क है। असल में सबसे अहम बात ये होती है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं, एनजीओस काम कर रही हैं, लेकिन एक तो विल, नियत, और फिर उसके बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से लोगों तक चीज़ें। तो हम इसमें आपको पता है कि ज़रा सा हमें एडवांटेज हासिल होता है कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं ना रज़ाकार, बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में इस वक्त शहर में काम किया। नहीं, कराची में जो है ना, कराची ने हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया चैरिटी के हवाले से, कराची जितना डोनेट करता है कोई दूसरा शहर या कोई दूसरा सूबा मैंने नहीं देखा। यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा CM सिंध को भी, जिस तरीके से लॉकडाउन को कराची के अंदर खास तौर पर लेके गए, तो क्रेडिट गोज़ टू हिम जी, लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्स किया उनको। लेकिन साथ साथ में हमारे पास प्लान्स लाजमी ABC प्लान होने चाहिए, अगर लॉकडाउन होता है देन उन लोगों के साथ जो डेली वेजेस के लोग हैं उनके साथ क्या, किस तरह उनके लिए राशन का बंदोबस्त किया जा सकता है। मेरे ख्याल में काफ़ी सारी NGOs काम कर रही हैं इस मुल्क के अंदर और सारे मिलके अगर बैठ के, जैसे मुझे पता था कि आपकी NGO माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है, सो वाई नॉट कि हम मिलकर यहाँ पर लोगों के लिए काम किया जा सके। मेरा नहीं ख्याल किसी और फोर्स बनाने की ज़रूरत होती अगर सारी NGOs मिल के, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि, और जिस तरीके से बैतुल सलाम वाले बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनका काम बहुत जबरदस्त, आप लोग हो गए इंडस हॉस्पिटल अपने डोमेन में रह के बहुत अच्छा काम कर रहा है, शौकत खान हम की अपनी खिदमात है, तो ये जितनी भी NGOs वगैरह हैं अगर मिलके काम करेंगे, मकसद तो एक ही है हमारा।